क्या? बहुत भूख लगी है। तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ, चल। याद है तेरे को? कुछ याद है? उस वक्त मैं छोटा था और मैं क्या बड़ा था। उस वक्त शुरू हुई थी ये कहानी, उस वक्त शुरू हुई थी ये कहानी। जाओ भैया जाओ, दिखा दो इसको अपनी ताकत। जाओ भैया, छीन लो उसकी बैग। जाओ भैया भागो, मैं कहता हूँ ना भागो, भागो भैया भागो, भागो ना। और उस दिन जो मैं भागा तो आज तक बस भाग ही रहा हूं, अपने लिए नहीं। तो क्या मेरे लिए? मुझे तो नहीं चाहिए था ये सब। नहीं चाहिए था तो वापस कर, वापस कर मेरा बचपन जो भूखा सड़कों पर गुजारा, मेरी जवानी जो जेल के अंधेरों में कटी, मेरी जिंदगी वापस कर दे, मेरी सारी जिंदगी कर सकता है वापस। जा जा जल्दी जा, पारो ऊपर ही है। तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो करण। मैं जान गया हूँ, प्रकाश के खूनी मेरे भाई के ही साथी हैं। मैं ये भी जान गया हूँ कि भैया सिर्फ मेरी वजह से उनके साथी बने। मेरी एक जिंदगी को बेहतर करने के लिए भैया ने कई बेगुनाहों की जान तक ले ली। कहने लगे मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन पर मुझे तो नहीं चाहिए था ये सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा ना हो मैं अपनी जान ले लूं। नहीं प्रकाश भैया मारे गए, मैंने सहन कर लिया। अब तुम जहां भी जाओगे मुझे भी अपने साथ ले जाना। क्या हुआ? वही आदमी जिसने गोली चलाई थी। रुक जाओ, तूने गोली चलाई थी, तूने प्रकाश पर गोली चलाई थी। अब्दुल, किशन का भाई अपना भाई, इसीलिए तो अभी तक वो जिंदा है, वरना अब्दुल का वार कभी खाली नहीं जाता है। करण पुलिस से मिलने गया था किशन भाई। करण को समझा दे किशन, इसमें करण का कसूर नहीं है, वो लड़की है ना प्रकाश की बहन। तो फिर प्रकाश की बहन को समझा।
करण, सब ठीक हो जाएगा। तुम साथ रहो, मैं सब कुछ चलूंगा भारो। साथ तो हम हमेशा रहेंगे। हेलो, मुझे हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मरेगा साला एक दिन। डबल दैनम जल्दी। समझता क्यों नहीं? यही है वो आदमी। अब्दुल खान, जितनी अच्छी बांसुरी बजाता है सर, उतनी सफाई से गले भी काटता है। एक बार सबूत हाथ आने दे, फिर देख। तू गवाही देगा ना? हाँ। तुम्हारे भाई के साथ काम करता है ये, मैं जानता हूं। एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सामने इसे पहचानना होगा। सर, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा सर। ठीक है, मिरानी। सर, अब्दुल कोला, कल सुबह ये उसके खिलाफ गवाही देगा। कल सुबह? एक पुलिस वाले का खून हुआ है ना सेठ, उसका एक हरफ हमको फांसी का फंदे तक पहुंचा सकता है। तो फिर उसे चुप करा दे। वो मेरा भाई है। तो क्या जा अब्दुल? न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा। धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल, जा। नहीं अब्दुल, मैं समझाऊंगा उसे ना सेठ, मैं समझाऊंगा। अच्छा, चल, चल। मेहनत से जमाया हुआ इतना बड़ा धंधा एक बच्चे की नादानी की वजह से मिट्टी में मिल सकता है? मेरा तो कोई है नहीं, मेरे मरने के बाद ये सब किसका है? तेरा ही तो है किशन। करण को चुप रहना होगा या जाना होगा। तू उसे अपने लॉन्च पे ले जा, समझा? नहीं समझे तो गोली मार दे। आना, हमारा बात सुन। भाई भाई का प्यार अगर बीच में आए तो दोनों को गोली मार दे। चल। मरना ही चाहता है ना तू? मरना ही चाहता है ना तू? चल चल, मैं मारता हूं तुझे। चल चल। क्या बोलने वाला हूँ? मतलब समझ में नहीं आता क्या पुलिस स्टेशन में क्या बोलेगा? यही जानना था तुम्हें, इसलिए तुम मुझे यहाँ ले आए। अपने खुद भी मरेगा, साथ में पारो को भी मरवाएगा। ये तो एक दिन होना ही था भैया, अब तुम इससे बच नहीं सकते। जिस तरह तुमने दूसरों का खून बहाया है, वैसे एक दिन तुम्हारे अपनों का खून बहेगा। क्योंकि वो सारी गोलियां जो तुमने दूसरों के सीनों पर चलाई है, कोई एक दिन तुम्हारे अपनों के सीने पर चलाएगा। यही होता आया भैया, यही होगा। ज्यादा बोल मत, आज के आज यहां से निकल जा। डर कर भाग जाओ। भाग मत भाई, भाग मत, अपनी जान बचा। यहां रोजाना खून होते हैं, लोग खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। सब तमाशा नहीं देखते भैया, कुछ लोग लड़ते भी हैं। हाँ हाँ, प्रकाश लड़ा था ना, क्या हुआ उसका? कहां पहुंचा वो? अन्ना जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब उसके हाथों बिके हुए हैं। तुम भी? हाँ मैं भी, मगर मैं बिकावा नहीं हूं। मैं प्रकाश के खूनियों को फांसी दिलवाऊंगा। अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम्हें भी। तू मुझे फांसी दिलवाएगा? हाँ दिलवाऊंगा। अपने भाई को फांसी दिलवाएगा तू? हाँ। हम यहां कब तक रुके रहेंगे?
जब तक तू चुप रहने का वादा नहीं कर लेता। कैसे चुप रहूं भैया, अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारे दोस्त को गोली मार दे तो तुम चुप रहते? अगर कोई तुम्हारे भाई को गोली मार दे तब भी तुम चुप रहते, तमाशा देखते? तू अमेरिका से वापस ही क्यों आया? तो फिर कहां जाता मैं? यहां नहीं आता तो कहां जाता? मेरा सब कुछ तो यहां है। परो प्रकाश, तुम मेरा भाई। करण, नहीं माने आना तू वापस चले भैया। इसकी जरूरत पड़ेगी, अपने पास रख, वक्त आने पर चलाना। भैया मैं घर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं पारो के पास जाऊंगा। ठीक है, चल मैं छोड़ देता हूं। मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसे रख लो, मुझे किसी को नहीं मारना, इसकी मुझे जरूरत। इसे रख करण, अपने पास रख।
करण भैया इनके लिए एक नर्स मंगवा लीजिए। डॉक्टर साहब मैं यहां किसी को नहीं जानता। ठीक है मैं भेज देता हूं, चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब, गुड नाइट। मेहता सर क्या हुआ? वो बच गया है। अभी फिक्र मत करो, मैंने कह दिया मैं नर्स भेज रहा हूं। सॉरी भैया, भूल जा।